वैशाली जिला के महुआ में पूर्व मंत्री और राजद नेता शिवचंद्र राम ने अपने समर्थकों के साथ महागठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। मौके पर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में युवाओं, गरीबों और किसानों की उपेक्षा हुई है। इस कारण इस चुनाव में आम लोगों ने एनडीए सरकार को नकार दिया है। अब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद की सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर सभी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार कहते रहे कि बिहार के नौजवानों के साथ जो धोखा देगा, बिहार के बेरोजगारों के साथ जो धोखा देगा, बिहार के किसानों के साथ जो धोखा देगा, बिहार के व्यवसायियों के साथ जो धोखा देगा, बिहार के अल्पसंख्यकों के साथ जो धोखा देगा, बिहार के गरीब गुरबा दबे कुचले दलित के साथ जो धोखा देगा, उसके वो निश्चित रूप से उसके तीर और कमल कहीं दिखाई नहीं देगा। 15 साल ये दोनों मिलकर करके और इन्होंने जो धोखा देने का काम किया है, इसलिए लोगों ने लालटेन को गले लगाने का काम किया है।